सेलवास नजीक आमली विस्तार में 3 दिवस पहला एक युवक की थे हत्या प्रकरण में सेलवास पुलिस गणतरी कलाकों में हत्या भेद उकेली काढ़ी 3 आरोपियों ने झड़पी पड़ा था। आ हत्या कंपनी छोड़ा विवाद में कराई हो बहार आयु थ। सेलवास खाते रहता उमेश यादव और पत्नी पूनम यादव छेल्ला घणा वर्षो थी दिल्ली खाते हेड ऑफिस धरावती एक्सले पियर्स वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड नामनी आयुर्वेदिक दवाओनी उत्पादन करती कंपनी में मार्केटिंग नु काम करता था। जो कि कंपनी साथे कोई कारणसर विवाद थता आ दंपतीए नौकरी छोड़ीने विस्टार प्लस नामनी कंपनी में जोड़ाई गया हता, जेने लईने एस्क्लेपियर्स वेलनेस कंपनी ना कर्मचारी धीरेन्द्र सिंह और दिलीप सिंह आ पति साथ झगड़ो कर्यो हतो। झगड़ा बाद 18 डिसेम्बर रोज उमेश यादव और तेनो पितराय भाई जोगेन्द्र चंद्रिका यादव और देवप्रकाश नामना मित्र साथ आमली खाते आवेल एस्केलेपियर्स कंपनी की ऑफिस में गया था, जहां झगड़ा ना कारण बाबते फरी पूछपरछ कराता उश्केरायेला देवेंद्र सिंह और विवेक ओम प्रकाश उपाध्याय तेमज दिलीप सिंह सुरेंद्र सिंह झपाझपी कर उमेश यादव की साथे आवेला तेना पितराय भाई जोगेन्द्र यादव पर जीवलेण हुमलो करता तेनु मौत निपजू हतु। आ बनाव अंगे सेलवास पुलिस गुनो दाखिल कर गणतरी कलाकों में हत्यारा 3 आरोपियों ने झड़पी पाड़ी कायदेसरनी कार्यवाही हाथ धरी हती। ये पिछले 18 दिसंबर को दोपहर को हमको सिलवासा विनोबाबा सिविल हॉस्पिटल से एक कॉल आया कि एक आदमी जिसका नाम है जोगिंदर चंद्रिका यादव, उसका लाश हॉस्पिटल में 3 बजे लेके आया, ऐसा कॉल आया। उस कॉल पर हमने इंक्वायरी पिपरिया आउटपोस्ट को दे दिया, तो पुलिस ने इंक्वायरी कर दिया। उस दरमियान ये पता चला कि सिलवास में रहने वाले एक कपल है, पूनम यादव और उसका हस्बैंड है उमेश यादव। ये दोनों दिल्ली बेस्ड आयुर्वेदिक कंपनी है जिसका नाम है असल पी एस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। इसका ऑफिस है लीला हाइट्स आमली में, शॉप नंबर 10, और इसमें ये लोग आयुर्वेदिक दवा का प्रमोट करते हैं, ऐसा बताया था। तो इसमें तो थोड़ा दिन पहले, 10 दिन पहले ये पूनम यादव और उमेश यादव का इसका जो कंपनी के साथ कुछ विवाद चालू हो गया, उसने कंपनी छोड़ दिया और एक वी स्टार प्लस करके दूसरा एक आयुर्वेदिक कंपनी का इसमें ज्वाइन कर दिया। तो इसके बाद ये जो पूनम और उमेश का और उसका दूसरा जो स्टाफ है उसी कंपनी का पुराना कुछ विवाद डिस्प्यूट चल रहा था। ये 16 तारीख को जब पूनम और उसका हस्बैंड नरोली एरिया में नया कंपनी का ब्रांड के लिए कुछ प्रमोटिंग कर रहा था, उस टाइम पुराना कंपनी का स्टाफ है धीरेंद्र सिंह, दिलीप सिंह, वो लोग उधर पहुंच गया, उसको कुछ डिस्टर्ब करने का कोशिश किया। इसके चलते ये 18 तारीख को दोपहर के टाइम पे जब जो पुराना कंपनी है असल पी एस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड उसमें सब उधर का स्टाफ इकट्ठा हुआ था, उस टाइम उमेश यादव जो मरने वाला जोगेंद्र चंद्रिका यादव और उसका एक दोस्त है वेद प्रकाश तिवारी, ये तीनों उस दुकान में गया। वो लोग जो आपस में जो विवाद चल रहे वो निपटाने के लिए उधर पहुंचा था, लेकिन उधर जो स्टाफ था उसमें से 3 लोग दिलीप कुमार, सुरेंद्र सिंह, धीरेन्द्र सिंह और विवेक उपाध्याय, इन लोगों को मारने लग गया और पीटने लग गया। इसमें जो मरने वाले को ये तीनों मिलके मार के नीचे गिरा के लात मार दिया, जिसके चलते उसका छाती पे और पेट पे अंदरूनी इंजरी हो गया और वो मर गया। तो ये बात बाहर आने पर जो मरने वाला है उसका भाई जो सूरत में रहता है वलेंदर चंद्रिका यादव, वो सिलवास आया और उसका फरियाद के ऊपर FIR नंबर 762/22 अंडर सेक्शन 302-34 हमने रजिस्टर कर दिया। इसमें जो मरने वाले को ये तीनों मिलके मार के नीचे गिरा के लात मार दिया, जिसके चलते उसका छाती पे और पेट पे अंदरूनी इंजरी हो गया और वो मर गया। तो ये बात बाहर आने पर जो मरने वाला है उसका भाई जो सूरत में रहता है वलेंदर चंद्रिका यादव, वो सिलवास आया और उसका फरियाद के ऊपर FIR नंबर 762/22 अंडर सेक्शन 302-34 हमने रजिस्टर कर दिया। और रजिस्टर करके
आगे का तपास पिपरी आउटपोस्ट से इंचार्ज PSI सोनू दुबे को दे दिया और इमीडिएटली एक खून का केस है, तुरंत स्टाफ को आरोपी पकड़ने के लिए यूज़ कर दिया क्योंकि आरोपी लोग भाग गया था। उसके बाद इमीडिएटली कल ये तीनों आरोपी है जिसका नाम है दिलीप कुमार सुरेंद्र सिंह, उम्र 32 साल है, अंबिकापुर में रहता है लवाचा। दूसरा है धीरेंद्र कुमार रहेश सिंह, 45 ईयर्स का है, सुंदर फिर नरौली में रहता है। और तीसरा विवेक ओम प्रकाश उपाध्याय 33 ईयर्स का है, 22 फिर सिलवास में रहता है। उसको ढूंढ कर पकड़ लिया और उसको अरेस्ट कर दिया और आज कोर्ट में प्रोड्यूस कर दिया और उसका पुलिस कस्टडी रिमांड मिला है। और आगे का इसका सीरियसनेस देखते हुए इमीडिएटली सिलवासा SP मीना साहब ने और का मार्गदर्शन पे और SDPO जैन साहब का लीडरशिप में ये काम को आरोपी पकड़ने का काम हमने अंजाम दे दिया है। आगे का काम चालू।